नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग के यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन का किताब द प्लेटफॉर्म से जो है आपको करंट अफेयर सॉरी सामान्य विज्ञान पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपका जनरल साइंस का एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आज हमारा सेट नंबर होगा 97 नंबर, जिसमें आपका 25 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और ये आपका विदाउट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ओनली क्वेश्चन सर इसमें दिया है, और ये आपका रिविजन वीडियो है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज नंबर 97 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका, जो जीवाणु प्रकाश का उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उन्हें किसके रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो किसके रूप में जाना जाता है, या फिर कौन से रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो जो जीवाणु प्रकाश का उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उन्हें जो है ऑप्शन नंबर डी फोटो ऑटोट्रॉप के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो जो जीवाणु प्रकाश का उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उन्हें फोटो ऑटोट्रॉप के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन ऑन्कोजीन द्वारा प्रेरित होता है। तो निम्नलिखित में से कौन ऑन्कोजीन द्वारा प्रेरित होता है, तो 2 का ऑप्शन में भी कैंसर। 3 आपका पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर, तो पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसकी पिंड के भार की तुलना में ध्रुव पर पिंड का भार क्या होगा। 3 का ऑप्शन मेरे, ध्रुव पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होगा। ठीक है, तो पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसकी पिंड के भार की तुलना में ध्रुव पर पिंड का भार क्या होगा, तो ध्रुव पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होगा, यह आपका सही है। 4 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा, तो निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है और प्रत्यक्ष बच्चे पैदा नहीं करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है और प्रत्यक्षता बच्चे पैदा नहीं करता, तो 4 का ऑप्शन मेरी एक्डिना। ठीक है, एक्डिना। 5 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर है, तो 5 का ऑप्शन भी इंटेलसैट। ठीक है, 5 आपका, क्वेश्चन आपका 6 नंबर, 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर सेकंड माइनस पावर वन की एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु ने कितनी गतिज ऊर्जा धारण की है, तो 6 का ऑप्शन भी 270 जूल। ठीक है, क्वेश्चन 7 आपका, रीढ़ की हड्डी वाले वेटिब्रेट, तो रीढ़ की हड्डी वाले वेटिब्रेट डैस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 7 का ऑप्शन डी कार्डेटा। ठीक है, कार्डेटा प्रजाति के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी वाले कार्डेटा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। 8 आपका क्वेश्चन नंबर, औसत रूप में 235/92 के एक विखंडन में कितने न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, तो 8 का ऑप्शन नंबर भी 2.5। 9 आपका क्वेश्चन नंबर, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो 9 का ऑप्शन नंबर साइटोलॉजी का, कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। 10 आपका क्वेश्चन नंबर, भारत में कृष्ण क्रांति किस उत्पाद के विनिर्माण से संबंधित, भारत में कृष्ण क्रांति किस उत्पाद के विनिर्माण से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका कच्चा पेट्रोलियम। 11 नंबर है, प्लूटो की खोज किसने की थी, तो 11 का ऑप्शन बी क्लाइड टॉम्बे ने की थी, प्लूटो की खोज आपका क्लाइड टॉम्बे ने की थी। 12 नंबर है, दूरी का सूत्र क्या, तो दूरी का सूत्र ऑप्शन नंबर गति इंटू समय, दूरी का सूत्र क्या, तो गति इंटू समय। ठीक है, 12 नंबर है, हम दूध का विशिष्ट गुरुत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके द्वारा मापेंगे, तो हम दूध का विशिष्ट गुरुत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके द्वारा मापेंगे, तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोमीटर का उपयोग करके मापेंगे। ठीक है, 14 नंबर है, प्रक्षेप, तो प्रक्षेप प्रोजेक्टाइल के पथ को उसका क्या कहा जाता है, तो प्रक्षेप के पथ को उसका ऑप्शन नंबर सी प्रक्षेप पथ कहा जाता है। ठीक है, तो प्रक्षेप के पथ को उसका प्रक्षेप पथ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, कमानी तुला स्प्रिंग बैलेंस किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो कमानी तुला किस सिद्धांत पर काम करती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हुक नियम पर काम करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हुक नियम पर आपका काम करती है। ठीक है, 16 नंबर है, क्रायोजेनिक है, तो आपका क्रायोजेनिक क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी बहुत कम तापमान का वैज्ञानिक अध्ययन है, तो क्रायोजेनिक आपका बहुत कम तापमान का वैज्ञानिक अध्ययन है। 17 नंबर, प्रकाशित ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रसित होती है, तो 17 का ऑप्शन सी संपूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण, तो प्रकाशित फाइबर में सिग्नल कैसे प्रसित होती है, तो आपका संपूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण। 18 नंबर, एक्टिनोइड हो, तो एक्टिनोइड हो सॉरी एक्टिनाइड्स की परमाणविक संख्या क्या है, तो 18 का ऑप्शन नंबर जो है डी 90 से 103 है। ठीक है, तो एक्टिनाइड हो की परमाणविक संख्या 90 से 103 है। ठीक है, 109 है, वैक्यूम ट्यूब का कंप्यूटर में इस्तेमाल किस पीढ़ी में किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब का कंप्यूटर में इस्तेमाल जो है ऑप्शन नंबर ये आपका पहली पीढ़ी में किया गया था। 20 आपका, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था, तो कंप्यूटर माउस का आविष्कार ऑप्शन नंबर सी डगलस एंजल बर्ट ने किया था। 21 है, निम्न में से तत्व का कौन सा लवण अग्नि कीड़ा को रंग प्रदान करता है, तो निम्न में से तत्व का कौन सा लवण अग्नि कीड़ा को रंग प्रदान करता है, तो 21 का ऑप्शन
एस्टानसियम और बेरियम, ठीक है, एस्टानसियम और बेरियम कहता है, ठीक है। 22 आपा है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बढ़ता है, तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बढ़ता है, तो 22 का ऑप्शन मेरे सोडियम कार्बोनेट बढ़ता है, ठीक है। 23 साबुन उद्योग से मिलने वाला उपोत्पाद बाय प्रोडक्ट है, तो साबुन उद्योग से मिलने वाला उपोत्पाद बाय प्रोडक्ट क्या है, तो ऑप्शन नंबर कास्टिक सोडा है। 24 आपका इथेन गैस का स्वाद टेस्ट किस प्रकार का होता है, इथेन गैस का स्वाद 24 का ऑप्शन में थोड़ा मीठा होता है। 25 है, रसायन शास्त्र में साबुन किसका लवण है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका वसा एसिड का, रसायन शास्त्र में साबुन सोप आपका जो है वसा एसिड का है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टेस्ट नंबर 98 है, ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे आपका टेस्ट नंबर 98। तो आज के लिए बस था, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।